Namaskar learners. How do you do? I believe you all are fine. Let's learn what are interrogative pronouns. देखिए ये बच्चा, उसकी नोटबुक किसी ने गायब कर दी है. होता है स्कूल में ऐसा. 1. Who took my notebook? मेरी नोटबुक किसने ली है? और दूसरी, और जिन्होंने ये काम किया है, वो दोनों ही मजा ले रहे हैं. एक दूसरे को पूछ रहा है. 2. Whose notebook did you hide? किसकी नोटबुक छुपाई है तुमने? एक और बच्चा है जिसे अपनी क्लासरूम मिल नहीं रही है, वो उलझन में है. 3. Which is my classroom? और ये महाशय देखिए, वो तो बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहा है. 4. What is written in this book? यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि हर सवाल में हूँ, whose, which और what ऐसे शब्द आए हैं. यही इंटररोगेटिव प्रोनाउन है. क्या होते हैं इंटररोगेटिव प्रोनाउन्स? इंटररोगेटिव प्रोनाउन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम. Interrogative pronouns are words used to ask questions and inquire about specific people, things, places, or information. They are employed to seek information and are essential in forming interrogative sentences. Interrogative pronouns act as placeholders for the unknown noun, and they help in constructing meaningful questions. प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग प्रश्न पूछने और विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानकारी के बारे में पूछते हैं. इनका प्रयोग जानकारी खोजने के लिए किया जाता है और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने में महत्वपूर्ण होता है. प्रश्नवाचक सर्वनाम अज्ञात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और वे अर्थपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करने में मदद करते हैं. आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा. इससे हमें आपके लिए नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी. लेट्स सी व्हिच आर द इंटररोगेटिव प्रोनाउन्स. चलो देखते हैं कौन कौन से इंटररोगेटिव प्रोनाउन है. पहला है who, used to inquire about a person's identity or the identity of people in a group. कौन, व्यक्ति की पहचान या समूह में लोगों की पहचान के बारे में पूछते हैं. Let's see how to use in sentences. पीले रंग से लिखे शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि इंटररोगेटिव प्रोनाउन्स है. 1. Who is coming to the party? कौन पार्टी में आ रहा है? 2. Who is the winner of the competition? कौन प्रतियोगिता का विजेता है? 3. Who is the new manager in the office? कार्यालय में नया प्रबंधक कौन है? अगला प्रकार है whom, used to inquire about the object of an action or to refer to people in a formal context. किसे, किसी कार्य के लिए विक्रिया का विषय, ऑब्जेक्ट यानी कर्मपद जिसके लिए क्रिया की जाती है. जानने या संभाषण में व्यक्तियों का संदर्भ करने के लिए प्रयोग किया जाता है. Let's see how to use in sentences. 1. Whom did you invite to the wedding? आपने शादी में किसको बुलाया? 2. To whom did you address the letter? पत्र किसे संबोधित किया गया था? 3. Whom are you waiting for at the bus stop? बस स्टॉप पर किसे तुम इंतजार कर रहे हो? अगला प्रकार है whose, used to ask about possession or ownership. किसकी, किसका, किसके स्वामित्व या मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है. Let's see how to use in sentences. 1. Whose book is this? ये किताब किसकी है? 2. Whose car is parked outside? बाहर किसकी कार खड़ी है? 3. Whose bag is this on the table? यह मेज पर किसका बैग है? 4. Whose idea was it to organize the event? इवेंट की योजना किसकी थी? The next is what, used to ask questions about things or objects whose identities are unknown or are being questioned. क्या, क्या का प्रयोग उन चीजों या वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जिनकी पहचान अज्ञात है या सवाल में है. Let's see how to use in sentences. 1. What is your favorite book? तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? 2. What are you doing this weekend? इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो? 3. What is the time of the meeting scheduled for? मीटिंग का समय क्या है? 4. What is your favorite color? तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है? 5. What are you cooking for dinner? तुम रात के खाने में क्या पका रहे हो? One more pronoun in this type is which, used to ask for a specific choice or selection from a limited number of options. कौन सा, कौन सी, कौन से, सीमित संख्या के विकल्पों में एक विशिष्ट चयन या चयन के लिए पूछते हैं. Let's see how to use them in sentences. 1. Which movie did you watch last night? कौन सी फिल्म तुमने कल रात देखी? 2. Which route should we take to the destination? कौन सा मार्ग हमें गंतव्य को जाने के लिए लेना चाहिए? 3. Which dress did you buy for the party? तुमने पार्टी के लिए कौन सी ड्रेस खरीदी? 4. Which movie do you prefer, action or comedy? कौन सी फिल्म पसंद करते हो, एक्शन या कॉमेडी? 5. Which color looks better on the wall, blue or green? दीवार पर कौन सा रंग अधिक अच्छा लगता है, नीला या हरा?
Let's see some more sentences for example. Some more examples of interrogative pronouns in sentences. 1. Who is that person standing at the door? वह कौन व्यक्ति है जो दरवाजे पर खड़ा है? 2. To whom did you lend your pen? तुमने अपने पेन किसे दिया? 3. Whose phone is ringing? किसका फोन बज रहा है? 4. What do you want for your birthday? तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम्हें क्या चाहिए? 5. Who is making that noise? वह शोर कौन कर रहा है? 6. To whom are you speaking? आप किससे बात कर रहे हैं? 7. Which is the way to the bathroom? बाथरूम किस तरफ है? इनके और दूर के रिश्तेदार हैं. In some matters, interrogative pronouns are used with the suffix ever. A few can also take on the old-fashioned suffix, so ever, which is seen mostly in legal writings these days. कुछ मामलों में प्रश्नवाचक सर्वनाम ever का प्रत्यय लेते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो पुराने जमाने का प्रत्यय so ever लेते हैं, जिसे आजकल अधिकांशतः कानूनी लेखन में देखा जाता है. उदाहरण के लिए whatever कुछ भी, whatsoever कुछ भी, whichever कोई सा भी, whoever कोई भी, whosoever कोई भी, whomever किसी को भी, whomsoever किसी को भी, whosoever किसी का भी. There are some trial sentences for you where you have to use appropriate interrogative pronouns from the given options into the brackets. Let's try yourselves. Thank you. Please don't forget to subscribe our channel, Abhinav English.